आज का हमारा ये जो प्लान है एक 25x50 स्क्वायर फीट का एक हाउस प्लान है, जिसमें कि हमने एक 2BHK प्लान किया हुआ है। सो चलते हैं प्लान की तरफ, हम देखते हैं उसको डिटेल में। सो ये हमारा आज का प्लान है, जिसमें कि हमारी इसकी जो विड्थ है वो 25 फीट की है एंड हमारी इसकी जो लेंथ है वो 50 स्क्वायर फीट की है, वो 50 फीट की है। इसका हमारा ओवरऑल जो एरिया होगा वो 1250 स्क्वायर फीट का है। फर्स्ट हम इसकी वॉल्स को हाईलाइट कर लेंगे। सो हमने इन सारी वॉल्स को हाईलाइट कर लिया है। फर्स्ट हम यहाँ से एंटर करेंगे हमारे पार्किंग एरिया के अंदर। यहाँ पे हमने गेट प्रोवाइड किया है, गेट से हम एंटर करेंगे हमारे पार्किंग एरिया के अंदर। इस पार्किंग का जो हमारा साइज़ है वो 14 फीट 6 इंचेस बाय 16 फीट का है। जिसमें कि हमारा 14 फीट 6 इंचेस की विड्थ है एंड 16 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। पार्किंग के ही लेफ्ट साइड में हमने एक गार्डनिंग एरिया प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पे हम प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं। इस गार्डनिंग का जो हमारा साइज़ है वो 10 फीट 6 इंचेस बाय 8 फीट का है। जिसमें कि हमारा 10 फीट 6 इंचेस की विड्थ है एंड 8 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। यहाँ पे हमने एक स्टेयर्स प्रोवाइड किया हुआ है। स्टेयर्स से हम एंटर करेंगे हमारे लिविंग एरिया के अंदर। लिविंग रूम का जो हमारा साइज है वो 14 फीट बाय 16 फीट का है। जिसमें कि हमारा 14 फीट इसकी विड्थ है एंड 16 फीट हमारी इसकी लेंथ आएगी। एंड लिविंग रूम के लेफ्ट साइड में हमारा डाइनिंग एरिया आ जाएगा। डाइनिंग को अटैच हमने किचन प्रोवाइड किया हुआ है। इस डाइनिंग का जो हमारा साइज है वो 10 फीट बाय 7 फीट का है। जिसमें कि हमारा 10 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 7 फीट हमारी इसकी लेंथ है। देन यहाँ पे हमने एक ओपन किचन प्रोवाइड किया हुआ है। इस किचन का जो हमारा साइज है वो 9 फीट 6 इंचेस बाय 9 फीट का है। जिसमें कि हमारा 9 फीट 6 इंचेस की विड्थ है एंड 9 फीट हमारी इसकी ओवरऑल लेंथ होगी। तो हमारा लिविंग रूम से ही स्टेयर्स का एरिया आ जाता है। यहाँ पे हमने एक स्टेयर्स प्रोवाइड किया हुआ है। स्टेयर्स की जो हमारी विड्थ है वो 3 फीट वाइड है। इसकी जो विड्थ है वो 3 फीट की है। यहाँ से हमारी स्टेयर्स जो है वो फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएंगी। यहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएंगे। स्टेयर्स के नीचे का जो पोर्शन है वो हम स्टोर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारा ये स्टेयर्स का जो ओवरऑल एरिया है वो 10 फीट बाय 7 फीट का है। जिसमें कि हमारा 10 फीट इसकी विड्थ है एंड 7 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन हम स्टेयर एरिया से यहाँ पैसेज में एंटर करेंगे। इस पैसेज का जो हमारा साइज है वो 4 फीट बाय 8 फीट का है। जिसमें कि हमारा 4 फीट इसकी विड्थ है एंड 8 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन यहाँ पैसेज से ही हमने एक कॉमन टॉयलेट बाथ प्रोवाइड किया हुआ है। इसका जो हमारा साइज है वो 4 फीट बाय 8 फीट का है। जिसमें कि हमारा 4 फीट इसकी विड्थ है एंड 8 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। इस पैसेज से हम एंटर करेंगे हमारे फर्स्ट बेडरूम के अंदर। फर्स्ट बेडरूम का जो हमारा साइज है वो 9 फीट 6 इंचेस बाय 12 फीट का है। जिसमें कि हमारा 9 फीट 6 इंचेस की विड्थ है एंड 12 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। हमारा जो बेडरूम है वो एक मास्टर बेडरूम है, जिसमें हमने एक WC and bath प्रोवाइड किया हुआ है। इसका जो हमारा साइज है वो 3 फीट 6 इंचेस बाय 9 फीट 6 इंचेस का है। जिसमें कि हमारा 9 फीट 6 इंचेस की विड्थ है एंड 3 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। सेम साइज़ का हमारा सेकेंड बेडरूम भी है। यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे सेकेंड बेडरूम के अंदर। इसका भी जो हमारा साइज़ है वो 9 फीट 6 इंचेस बाय 12 फीट का है। जिसमें कि हमारा 9 फीट 6 इंचेस की विड्थ है एंड 12 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। इसमें भी हमने एक WC and bath प्रोवाइड किया हुआ है। इसका जो हमारा साइज़ है वो 3 फीट 6 इंचेस बाय 9 फीट 6 इंचेस का है। जिसमें कि हमारा 9 फीट 6 इंचेस की विड्थ है एंड 3 फीट 6 इंचेस की लेंथ होगी। इस प्लान में जो हमने डोर्स प्रोवाइड किए, जितने भी डोर्स को हमने डी से डिनोट किया हुआ, जो कि हमारा मेन डोर है, इसका जो हमारा साइज़ है वो 3 फीट इसकी विड्थ है एंड 7 फीट इसकी हाइट होगी। जितने भी डोर्स को D1 से डिनोट किया हुआ है, जो कि हमारे बेडरूम के डोर्स हैं, इनका जो हमारा साइज़ है वो 2 फीट 6 इंचेस की विड्थ है एंड 7 फीट इसकी हाइट होगी।
सेम साइज़ के डोर्स हमने ये सब में प्रोवाइड किया हुआ है। इस प्लान में जो हमने विंडोज़ प्रोवाइड किए, जितने भी विंडोज़ को हमने डब्ल्यू से डिनोट किया हुआ है, इन विंडोज़ का जो हमारा साइज़ है वो 4 फीट इसकी विड्थ होगी एंड सेम 4 फीट इसकी हाइट होगी। जितने भी विंडोज़ को हमने वी से डिनोट किया हुआ है, जो कि हमारा डब्ल्यू से एंड बाद की विंडोज़ है, इन विंडोज़ का जो हमारा साइज़ है वो 1 फीट 6 इंचेस की विड्थ होगी एंड 2 फीट इसकी हाइट होगी। इस प्लान का जो हमारा ओवरऑल एरिया है वो 1250 स्क्वायर फीट का है एंड इसका जो हमारा कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 15-17 लैक्स के अराउंड आएगा। जो कि वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। सो ये था हमारा आज का एक छोटा सा प्लान, जो कि हमने एक 25 या 50 स्क्वायर फीट का एक हाउस प्लान डिज़ाइन किया था।